गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे क्लासेस को सही 10 मिनट बाकी हैं और मैं घर पे बैठ के एप्पल खा रही हूँ। महक ओबरॉय एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है जो कियारा अडवानी, मलाइका अरोरा, सोनाक्षी, आलिया भट्ट, लोग वगैरह वगैरह सबका मेकअप करती हैं। 5 डेज का कोर्स है जो कि 1.6 लाख का है और आज मेरे क्लासेस का फर्स्ट डे है, तो लेट्स गो। ओह माय गॉड, कितना सही सेटअप है। और अभी तक कोई आया नहीं है, सीन्स लाइक सबसे जल्दी मैं ही आ गई हूँ। सिर्फ एक ही लड़की आई है, तो मैंने दो फ्रेंड्स बनाए हैं। से हाय कृपा एंड संजना। संजना केम फ्रॉम कर्नाटका, वो कर्नाटका से आई है आज ही, अभी सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर आई है। शी इज मैरिड एंड वो अपना किड भी लेकर आई है। अभी 4 बज गए और अभी जस्ट लंच टाइम हुआ है। कब से मेकअप चल रहा था, हम लोग सब नोट डाउन कर रहे थे लाइक, और इतना ये पूरा एक मेकअप का नोट डाउन है इतना सारा। इतने तो मेरे पास लाइक प्रोडक्ट्स भी नहीं है जितने मैम ने इसमें ब्रशेस यूज़ किए लिटरली। आई थिंक 2 कबर्ड्स भर के तो ब्रश लाने पड़ेंगे। जो लड़की का मेकअप कर रहे थे ये उसका फाइनल लुक है। सो सब लोग अभी मेकअप प्रैक्टिस करेंगे, कोई मॉडल्स पे कर रहा है और कोई खुद पे करेगा, तो मैं खुद पे कर रही हूँ और मेरे साथ मुस्कान है। हाय मुस्कान इज़ अ ब्यूटी मेकअप क्रिएटर, ब्यूटी फैशन, नो वेट सॉरी, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। सो फर्स्ट बहुत पक रहा है और मेरा कंसीलर भी निकलवा दिया, बोलते बराबर नहीं हुआ है और अब कोई आ भी नहीं रहा है। मैं बैठी हूँ कब से। मैंने तुम लोगों को संजना की बेबी के बारे में बताया था ना, देखो हाय जब भी खाना खा रहे थे मेरे को बराबर हाय बोल रहा था, मेरे साथ रसमलाई खा रहा था। आज का सेशन खत्म हो गया है एंड मैंने आज मस्कारा लगाना सीखा है। ये देखो आज मैंने अच्छा मस्कारा लगाया है और मेरा मेकअप पूरा फिनिश नहीं हुआ बिकॉज मेरे को अभी कलर करेक्शन सीखना बाकी है अंडर आई का। व्हाट डिड यू लर्न मुस्कान आज? आई लर्न्ड अबाउट कंसीलर एंड हाउ टू सेट द फेस प्रॉपर्ली। मुस्कान का मेकअप लिटरली 5 मिनट में हो गया था सबसे जल्दी। हाय गाइस, इट्स डे 2 एंड मीट माय न्यू फ्रेंड कोमल। आज मैं पूरा मेकअप करूंगी बिकॉज शी इज लाफिंग। फर्स्ट टाइम आई यू फॉलो दिशा ऑन इंस्टाग्राम, दिशा डी इज 129k फॉलोअर्स एंड अ लवली प्रोफाइल। थैंक यू। एंड वन डे आई एम गोइंग टू डू हर मेकअप एंड बिकम फेमस। ओके गाइस, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पे सब, मेको और मुस्कान को छोड़ के। आज कोमल मुझे हेल्प करेगी क्योंकि इसको कंसीलर भी नहीं लगाने आता है, शी डजंट इवन नो हाउ टू अप्लाई। ये देखो कोमल के मॉडल्स, देख रहे हो उसका मेकअप, भाई कमा तो तुम लोग ही रहे हो। महक मैम ने आज ब्राइडल मेकअप किया है। सो दिस इज माय फुल मेकअप और मेरा एक्चुअली सच बताऊँ तो फाउंडेशन नहीं लगाया क्योंकि मेरा कंसीलर ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से मेरे को अंडर आई में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एंड गेस आज कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, तुम लोग को ही हिंट देता है, वो अर्जुन कपूर की वाइफ है। तो आज मलाइका अरोरा आने वाली है और उनके ऊपर महक मैम मेकअप करने वाली है और तो लेट्स गो। I cannot practice everything in the rest of 2-3 days and I cannot figure it out of course, but so I need you to tell me which one is right for my skin so that I can keep using that. Okay. I like this questionnaire that I have got in the middle of the class. Aaj snacks mein hai chicken nuggets, sandwiches, kathi roll, cocktail, samosa. Aaj hamara second day ho gaya hai aur मैंने आज कुछ नहीं सीखा, मे बी मैंने आज जो सीखा कि कलर करेक्शन।
हाय गाइस, तो आज हम लोग सबका पोर्टफोलियो बनने वाला है। आई नो लाइक मुझे पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ एंड सब लोग अपने अपने मॉडल्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया, सब लहंगा एंड ऑल पहनेंगे। मैं आज भी अपना मेकअप खुद करने वाली हूँ, तो बाहर ड्रेसेस हैं तो सबसे पहले हम जाके ड्रेसेस का मेजरमेंट देंगे, अपना मतलब मेजरमेंट दूंगी, फिर उसके बाद हेयर और फिर उसके बाद मेकअप। कितनी प्रिटी ड्रेसेस हैं गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। ये मैं एक मैम की ब्राइड है, उन्होंने इनका ब्राइडल मेकअप किया है। ओ माय गॉड गाइस, लुक एट दिस, दिस इज द ब्लाउज एंड या सब लोगों को बहुत सब लोगों का फेवरेट है ये ब्लाउज। Look at the makeup she has done on herself. I think she is all right. Guys, you want free makeup? Please come to her. Diksha, I'll do it for free, no? आज का दिन इतना रश और हेक्टिक था एंड आज मेरा मेकअप भी अच्छा टर्न आउट हुआ है और मैम ने भी मेरे को हेल्प की मेरा बेस करने में। और स्टार्टिंग में कि मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे थे बट देन इट टर्न आउट जस्ट ग्रेट पाउडरिंग करके, पाउडरिंग ने बहुत डिफरेंस किया। एंड टुमारो फिर से हम लोग ब्राइडल लुक क्रिएट करने वाले हैं, आई एम सो एक्साइटेड। जो मुझे लगता है कि मेरे बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि मुझे ना मेरे फोरहेड को लेकर कुछ इनसिक्योरिटी है, उनको बहुत लंबा लगता है मेरा फोरहेड, बहुत बड़ा लगता है, तो उसने ऐसे फ्लैट हेयर कर दिया ना, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। बट देन जब वो पूरा ड्रेस पहना और जब नेकलेस और इयररिंग्स लगाई तो फिर मेरा फेस छोटा लग रहा था, तो इट वाज लुकिंग फाइन। बाय द वे मैंने आईज पूरी खुद से की है एंड आई एम लविंग इट। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे अच्छे से नेल कर लूँगी। देखते देखते 4 दिन भी निकल गए और कल लास्ट डे है और कल हम लोगों को हैम्पर भी मिलेगा, तो कल का दिन तो मिस ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और आज मैं लाइक 4-5 आवर्स लेट हूँ क्लास में बिकॉज मेरे को एक काम था, तो सब लोगों ने मेकअप स्टार्ट भी कर दिया और मैं अभी जस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। और ये कोमल की मॉडल है, देखो इनका मेकअप ऑलमोस्ट हो भी गया है एंड उनके हेयर इज सो प्रिटी, आई लव इट। आज की ड्रेस, ओ माय गॉड, आप लोगों को पता है पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं लेट पहुंची, सबसे लेट पहुंची, सारी ड्रेसेस चली गई थी, सिर्फ एक ड्रेस बची थी सारी जो मुझे पसंद भी नहीं आई थी। बट देन लास्ट में सबके आउटफिट्स चेंज हो रहे थे एंड देन आई गॉट दिस। और कल भी ड्रेस का बहुत झोल हो गया था, लाइक मैंने स्टार्ट किसी और ड्रेस में किया, फिर मुझसे वो ड्रेस ले ली क्योंकि मैं लेट रेडी हुई, फिर उसके बाद मेरे को दूसरी ड्रेस। सफलता सबसे पहले रेडी हुई है और कब से बैठी हुई है, सब लोगों को जाने दे रही है शूट करने। क्यों सफलता? Because I'm scared to take pictures. Why? I don't know how. Come on, pose. एक पोज तो बनता है। I will. Give a bitch look. एक bitch look. Me. How irresponsible Komal, मेरा फोन उधर ही छोड़ दिया और बाहर चली गई खाना खा, तो खाने ब्राइड। Oh my God. If she tries different color, she is like bang on. You have a very supportive husband. Why are you crying? Nobody will clap for me. Now that's the problem. भाई ये लड़की मेरे को धक्का मार मार के केक खा रही है, अभी मैं स्टेज से गिर जाती। घर जा रही तो खुश है ना, आज नहीं चिल्लाएगा, चिल्ला चिल्ला। लास्ट टाइम वी आर मीटिंग, मेरे लिए कुछ बोलना चाहेगी तू? कुछ अच्छा प्रॉपर बिच लुक, शी इज पेड एंड देन शी वांट्स टू अर्न इट बैक, इज दिस नॉट अ बिच बिहेवियर? देन व्हाट इज गाइस, प्लीज जस्ट मी मनी का स्पॉइल, शी इज लर्न द मेकअप ऑन हर फेस आल्सो, यू गिव मी एनी फेस ओके पूरे वर्ल्ड में आई विल बी एबल टू एज इट बट माय फिटनेस आई कांट डू। अच्छा बट शी इज लर्न दैट, वाओ द बेस्ट पार्ट इज येट टू कम। मैंने तुम लोग अब तक बेस्ट पार्ट बताया नहीं है, द हैम्पर्स।
मैं तुम लोग को बताया था यू विल गेट 25K वर्थ हैम्पर मैजिक एक्सटेंशन मस्कारा बॉबी ब्राउन स्किन करेक्टर ऑल्सो सबको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले हैं सबके स्किन टोन के अकॉर्डिंग दो कंसीलर है दो तीन लिपस्टिक है वो 5 days का मास्टर क्लास खत्म हो गया है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट क्योंकि एज अ बिगिनर मैं तुम लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या सीखा आई लर्न माई करेक्ट शेड्स मेकअप और मेरा जो स्किन का टोन है वो पूरा मैच हो रहा है और अब मुझे करेक्टली पाउडर करना आता है एंड व्हाट एल्स एंड कलर करेक्शन ऑफ कोर्स पहले मेरे को मतलब पता नहीं था कि मेरे जो आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल जैसे कैसे फिल करना है बट अब मुझे वो भी आता है ऑल्सो मैंने एक और मेन चीज सीखी कि मतलब हर स्किन टोन को मॉइस्चराइजर और प्राइमर की जरूरत नहीं होती है तो आज मेरा बेस प्रॉपर हुआ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब हाँ डू सब्सक्राइब माय चैनल बाय